So guys, we are already left Kevora and going for a city tour right now, and we'll keep you posted about our plan. आप इधर से थोड़ा खड़े होकर दूर से ना उसका फोटो आएगा, ठीक? यहाँ पे जो है ना पार्किंग नहीं है, ओके। मैं एक राउंड लगा लूंगा थोड़ी देर रुक के, ठीक है ना? ठीक है, जब तक आप फोटो लेके। दिस इज फ्यूचर म्यूजियम ऑफ दुबई। सी मैन हाउ बिग इट इज। So if you want to go inside, you have to book some tickets, but we are not going to go inside because we have planned for the other activities as well. So I am giving you a turnaround of this area. This is very nice, very nice. So guys, we are done with the Dubai Future Museum and we are going for the next plan right now. So guys, right now we are in front of Burj Khalifa. Front view of Burj Khalifa. Again, we will be coming day after tomorrow in Burj Khalifa in 124th floor. अभी तो बहुत सारा डेवलपमेंट देख रहा था, होगा मतलब बुर्ज खलीफा के आसपास रिंग एक बनने वाला है, बोल रहे हैं। हाँ, वो तो अभी फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ बनाने वाले हैं। हाँ, मेनली दुबई का पैसा कहाँ से आता है? तेल से? नहीं नहीं, दुबई का तेल नहीं है, दुबई का इतना ही ऑयल है अभी कि वो अपने लिए। हाँ, मेन टूरिज्म ही, टूरिज्म से पैसा आता है। टूरिज्म का अभी आप थोड़ा इनके इनकम तो नहीं है ना, आप देखें ना कि बुर्ज खलीफा कितने सालों से चल रहा है। एक बुर्ज खलीफा सर, हाँ, और 150 दिरहम इसका टिकट है एक आदमी का। हाँ, और हर रोज में कितना लोग जा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, और कितना ये सीजन में तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, एक ये तो सिर्फ एक पॉइंट है बुर्ज खलीफा, उसके बाद दुबई माल के अंदर एक्वेरियम बना हुआ है, अंडर वाटर जू बना हुआ है, फिर उसके बाद स्काई ऑब्जर्वेटरी बना हुआ है, क्या क्या नहीं बना हुआ है यहाँ। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं जिसका टिकट 100 से ऊपर ना हो। हाँ, ठीक है, 100 रुपीस मतलब हम लोग का 2300 यूनिट में। तो ये लोग इस तरीके से जो है ना बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, हाँ, ये क्या डनूब का है? ये राइट साइड पे नहीं, ये क्रिक है। अच्छा, इसको बोलते हैं क्रिक। फ्यूचर के अंदर पूरे वर्ल्ड में फिर सबसे बड़ा टावर यहाँ बनने वाला है, मतलब बुर्ज खलीफा के भी ऊपर, बुर्ज खलीफा से भी बड़ा, मतलब कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा है दुबई। अभी बुर्ज खलीफा से बड़ा बना रहे हैं सऊदी अरेबिया वाले। पेमेंट देने से वो हो जाता है 10%, देने से भी हो जाता है 10% डाउन पेमेंट, 10% डाउन पेमेंट देने से फ्लैट का ओनर बन सकते हो। हो जाता है, ओनली 20 लाख फिर ये को वो थोड़ा महंगा मिलेगा। हाँ, अगर आप कैश लेते हैं तो वो सस्ता। मेरा दोस्त अभी आया था यूके से, दो फ्लैट लेके आया, वन बेडरूम। अच्छा, दोनों उसके रेंट पे लगे हुए। वो कहता है कि ये वहाँ पे हम जितना कमाते हैं उसका 50% हमारा टैक्स चला जाता है। ये सबसे अच्छा चीज है दुबई में, तो उधर हमें इतना फायदा नहीं है, लेकिन अभी वो इसलिए दुबई में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पे तो जो भी आ रहा है उसका कोई इनकम टैक्स तो नहीं है। हाँ,
मतलब सबसे गवर्नमेंट मतलब पैसा क्या ये टूरिज्म से ही कमाता है? टूरिज्म मेन टूरिज्म मतलब जब कोविड गया था तब तो दुबई पूरा हिल गया था, लेकिन इनके पास क्या मैनेज कर लिया इन लोगों ने? फिर भी क्या है कि इनकी इतनी पब्लिक ज्यादा तो नहीं है ना, इनके अपने लोग जो है वो तो 20% ही है ना, 80% तो बाहर के लोग है ना, तो बाहर के लोगों की इनकी इतनी फिक्र तो नहीं थी ना, वो तो अपने हिसाब से मैनेज कर रहे थे। लेकिन ये इनके अपने 20 लाख लोग टोटल है, अभी 20 लाख को लोगों को मैनेज करना क्या मुश्किल है इनके लिए कोविड के अंदर? फिर इनकी इनकी जो पब्लिक है वो भी तो हमारी तरह थोड़ी है, उनको कभी 10 साल भी बैठ के खाना पड़े तो वो खा सकते हैं, उनके पास इतना जमा है पैसा। हमारे क्या है कि हमारे तो वहाँ पे अमीर भी हैं गरीब भी हैं। So guys, this is Palm Jumeirah Beach, Arabid Sea. जी जितना मर्जी गाड़ी खरीदता रहे, 100 गाड़ी खरीद ले अपनी कंपनी के नाम, सारा उसके नाम का है। तो मतलब ये पैसा बनाया कैसे? इंडिया से ही बनाया हुआ था? यहाँ से कमा के बनाया, कुछ इंडिया से लाया होगा कुछ यहाँ से, 20,000 उसकी सैलरी है मिसाल के तौर पर। अभी दोनों दोस्त हैं तो स्टार्ट में उन्होंने 2-2 लाख 3-3 लाख दिरहम लगाया ना, 5-6 लाख दिरहम लगाया है स्टार्ट में, फिर आगे बढ़ाते रहे उसको। अभी वो तो आपका कंपनी का वेबसाइट वगैरह ऐप वगैरह सब हो गया मतलब बना हुआ है क्या? हाँ अच्छा अच्छा, सेंचुरियन टूरिज्म कंपनी है ना। ओके, ये वाला बुर्ज अलाना, हाँ 7 स्टार होटल है। अभी ये सामने बीच है ना, बीच में मैं रुकूंगा तो ये वाला होटल के सामने जा सकते हैं ना? नहीं जा सकते, पीछे से देखते हैं ना, पास में ही है। मतलब रोड है ना बीच के अंदर, मतलब सी के अंदर है? हाँ ये सी के अंदर है। अच्छा, यहाँ जो है ना इसके लिए जो पास में वही जा सकते हैं जिनके पास विजिट का जो है ना टिकट। हाँ, हाँ। यहाँ का विजिट का भी 350 दिरहम टिकट है इसका, विजिट का खाली विजिट का। ओके, वो टिकट हो तो फिर इसके आप पास भी जा सकते हैं, अंदर से विजिट भी कर सकते हैं।
एंड दिस इज अटलांटिस वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल नाउ Come here and enjoy the beach beauty. And here is the bill I am talking about. So overall, nice beauty view. Let's head one.
दिल चुक ली इधर की रहना है ठीक है ना, वो नहीं करता मैं, फोन बंद कर दे दफा हो जाए, जितना फोन बंद कर छोड़ फोन, दोबारा कॉल कर मेरी कॉल नहीं होनी चाहिए। So guys, right now we are in Dubai. You can see the chocolates. I am taking 2 kgs of chocolates. This is taste chocolate. This is very nice. This is costing me only 20 AED. You can get all those 20 AED per kg. And this is Russian and other chocolates are available. 35, 40, 85, all those are available. Huge collection of chocolates.
दी गई थी ना ফ্লাইটটা এরকম ভাবে এসে Thank you.
is not up to the mother. Thank you.